हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे। ज्योत्सना किचन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है मिष्टी दोई। कलकत्ता का फेमस है मिष्टी दोई। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है, और ये कितना एमी और सुंदर बना है वो हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है। एक चम्मच खाने से जो है मन आपका फ्रेश हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर बना है एकदम। तो फ्रेंड्स, आइए फुल रेसिपी को देखते हैं हमने कैसे बनाए हैं। और ये बहुत ही झटपट बन जाती है, बिल्कुल इजीली तरीका से हम दिखाए हैं, और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपी आप सबको कैसे लगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1 लीटर दूध लिए हैं। आप गाय का भी ले सकते हो, भैंस का भी ले सकते हो। यहाँ पे हम जो है गाय भैंस का तो नहीं मिला, जो पैकेट वाला दूध हम यूज़ करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो वही दूध का जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, उसी से दही बनाऊंगी। ये बहुत टेस्टी और झटपट बन जाती है, मतलब बिल्कुल भी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली तरीका से मैं बनाऊंगी और खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो जो है दूध को हम यहाँ पे 1 लीटर दूध है, तो इसको हम पकाते पकाते जो है आधा कर लेंगे, आधा लीटर कर लेंगे, इतना हम इसको पकाएंगे और आधा लीटर हम कर लेंगे। तो जब तक दूध हमारा पक रहा है तो यहाँ पे हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कटोरी ले लिए हैं, और उसके ऊपर एक कपड़ा हम बिछा दिए हैं, तो यहाँ रुमाल है, तो कपड़े बिछा दिए, और इसमें हम दही दे देंगे। दही जो है यहाँ पे 4 चम्मच दही है। इसका जो पानी हम थोड़ा झरा लेंगे, वैसे गाढ़ा तो है लेकिन फिर भी जो है इसको हम ऐसे करके रख देंगे, थोड़ी जो है इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ये देख सकते हैं ये निकल रहा है, तो इसे जो है हम थोड़ा सा हल्का हाथों से दाब के इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतना सारा पानी इसमें से निकल गया, मतलब आधा पानी निकल गया और आधा इसमें बचे हुए हैं, तो पानी को हम फेंक देंगे। तो अब देख सकते हैं कितना कम दही हो गए हैं, 2 चम्मच दही बचा हुआ है। तो अच्छे से दही को जो है हम फेंट लेंगे, बढ़िया से, एकदम बढ़िया से फेंट लेंगे ऐसे करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, दही जो है हम बहुत अच्छे से फेंट लिए हैं। ऐसे ही हमें फेंट लेना है, बिल्कुल भी दही में कोई गुठलीपन नहीं रहना चाहिए। अब ऐसे करके हम रख देते हैं, इसको क्या करना है हम बाद में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार चलाते हुए जो है दूध को हम देख सकते हैं कितना कम हो गया या काफी ये गाढ़ा हो गए हैं। यहाँ पे हम 150 ग्राम चीनी ले लिए हैं, तो इसमें से कुछ चीनी हम दे देंगे और कुछ हम बचा के रखेंगे, बाद में बताते हैं कि क्या करेंगे उतना चीनी का। तो अब जो है चीनी हम दे दिए हैं, फिर से हम पका के उतना ही कर लेंगे, क्योंकि चीनी देने के बाद जो है फिर से देख सकते हैं थोड़ा सा इसका मात्रा बढ़ चुका है। अब फिर से चीनी दे दिए, चीनी के साथ जो है फिर से हम पकाएंगे, अब फिर से जो है उतना मात्रा में हम ले आएंगे। तो इस टाइप से जो है फ्रेंड्स हमें चलाते रहना है, क्योंकि हम अगर छोड़ देंगे तो इसमें मलाई पड़ने लगेगा, मलाई जमने लगेगा, तो वो हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए हमें चलाते रहना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर महीस का दूध, मतलब भैंस का दूध अगर होता या गाय का दूध होता, तो इतना चलाते चलाते उसका कलर ही जो है ना अलग हो जाता है, थोड़ा लाल लाल हो जाता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें तो होगा नहीं, उसके लिए भी मेरे पास है जुगाड़, जो कि हम ऐसे ही एकदम लाल लाल बनाएंगे। तो पहले जो है दूध को हम ऐसे पका लेंगे, और अगर ओरिजिनल गाय का दूध होता या भैंस का दूध होता तो ओरिजिनल अपनी कलर आ जाता, उसके लिए आपको कुछ जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो यूं ही फिर हम चलाते रहेंगे, मलाई नहीं पड़ने देना है, ऐसे ही चलाते रहना है। और फ्रेंड्स, अपने हिसाब से मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हो,
तो यहाँ पे हम 1 लीटर दूध में 150 ग्राम चीनी दिए हैं, मतलब हमें आधा लीटर बचा के रखना है, तो आधा लीटर में हम 150 ग्राम दिए हैं। आप अगर कम खाते हो तो कम दे, ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स अच्छे से हो चुके हैं, गाढ़ा हो चुके हैं, देख सकते हैं। इसको जो है हम साइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सस्पेन हम ले लिए हैं, आप कढ़ाई भी ले सकते हो, जो चीनी हम बचा के रखे थे वो दे देंगे और जो है इसको चलाते रहेंगे, इस टाइप से जो है चलाते रहेंगे। चलाते रहेंगे इसमें से जो है जैसे जैसे चीनी पिघल जाएगा इसमें बहुत अच्छा सा एक कलर आएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं चीनी पिघल गए हैं और इसमें से कलर आने लगा है। अब जो है इसको हम जो पका रहे हैं एकदम फ्लेम को हम स्लो करके रखे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा तेज करेंगे तो ये जल जाएगा ज़्यादा, तो इसे स्लो फ्लेम करके जो है हमें बना लेना है। देख सकते हैं कलर काफ़ी हद तक आ चुका है, थोड़ा सा हम कलर और लाएंगे। कलर अच्छे से आ चुका, गैस को हम बंद कर दिए हैं। देखिए कितना सुंदर एकदम गुड़ की तरह बन चुका। अब जो है हम वो दूध हम पका लिए हैं, दूध में गिरा देंगे, इसमें से कप दूध हम इसमें गिरा देते हैं। इस टाइप से मिला देंगे, देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया, बहुत अच्छे से हम मिला दिए हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ गया है। आप जो है इसको हमें ठंडा कर लेना है, बिल्कुल ठंडा कर लेना है। आप चाहे तो जो है इसे चला के रखें या तो पानी के ऊपर जो है कोई बर्तन में पानी दे के बर्तन को रख दे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा कर लेना है, मतलब बिल्कुल भी ठंडा कर लेना है, तो इसे चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल ठंडी कर लेना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, कुसुम गर्म भी नहीं होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल होना चाहिए। तो देख सकते हैं ठंडी हो चुकी है, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे हम 2 मटका ले लिए हैं मिट्टी का बर्तन, इसको जो है हम अच्छे से धो लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से धो लिए हैं, धो के जो है इसका सुखा लिए हैं। धो के रखने से ही पानी जो है इसका अपने यहाँ पर सूख जाता है। तो जो दही को हम फेंट के रखे थे थोड़ा दही इसमें गिरा देंगे, थोड़ा गही दही इसमें गिरा देंगे और मटकी का जो है चारों साइड अच्छे से लगा देंगे, ऐसे करके ऐसे लगा देंगे। तो अच्छे से देख सकते हैं बढ़िया से हम लगा दिए हैं, दोनों मटकियां में लगा दिए हैं और इसमें हल्का सा बचे हुए हैं तो इसमें से थोड़ा सा लेके इसमें से इतना सा थोड़ा सा लेके दूध में हम डाल दिए हैं और मिक्स कर देते हैं। तो अच्छे से जो है मिक्स कर देते हैं दही को। तो फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो चुका, अब दोनों मटकियां में जो है हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो मटका है ये 250 ग्राम का मटका है, तो आप देख सकते हैं पूरा जो है जितना हम बनाए हैं परफेक्ट हुआ है दोनों में, थोड़ा थोड़ा जो है खाली है, इतना ही रहना भी चाहिए। तो अब जो है हम इसको 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे, कोई जैसे इसके ऊपर रख के इसके ऊपर कपड़े से हम ढक देंगे, पूरा थोड़ा गर्म देंगे और जहाँ पर रखना है गर्म जगह पर रखें ताकि अच्छे से सेट हो सके, पूरा एकदम दही जम जाए मेरा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स 5-6 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स करीब 8 घंटा हो गए हैं। आप जो है हमने इसको जो कवर किया था इसके ऊपर एक पन्नी दे दिए थे और ऊपर से जो है एक गैटिस दे दिए थे ये वाला, ताकि जो है ना कोई चीज़ हम रखते हैं तो उसके अंदर चींटी घुस जाता है, इसीलिए ये पन्नी हम ऊपर से दे दिए थे और जो है ताकि जो चींटी अंदर ना आ जा पाए। तो ये इसमें भी जो है इसके अंदर मेरे भी गैटिस हैं, ये देख सकते हैं, ताकि बहुत अच्छा से कवर रहा और ये चींटी बिल्कुल भी अंदर नहीं गया। दही मेरा एकदम बहुत अच्छे से जम गया है, देख सकते हैं इस पर थोड़ा पन्नी लग गया इसलिए तो टेढ़े बड़े हो गए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है दही,
बिल्कुल अच्छे से जमा हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसे लगी मेरी रेसिपी, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। सब लोग स्वस्थ रहे, बाय।